बढ़िया यार, मैं उधर पर गया था उस साइड, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया क्या बस, हाँ भाई एकदम इतना बढ़िया सजाया ना मंदिर में, जो सजावट हुई ना यार उधर वाले मंदिर में और पंचमुखी महादेव मंदिर का बोलते हैं उसको, दोनों साइड है। हाँ अरे बहुत ही शानदार मज़ा आ गया। और अभी शाम को भंडारा था, सुबह प्रसादी मिल रही और तैयारी कर रही थी भंडारे की, तो सुबह जब गया सजावट बड़ी, तो सजावट तो कल से ही चल रही है बलून से और फूल मालाएँ लाइटिंग बहुत सजावट है। और यहाँ आगे हाँ देखिए ये भी कल से ही आया था मैं यहाँ पे भी हमारे बन रहे थे शाम को, यहाँ भी फूल माला लाइटिंग, हाँ ये नया टेंट लगाया हुआ आपने बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है यहाँ, बहुत प्यारा, इतना प्यारा सजाया गया कि ऐसा भोपाल में कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये सामने भंडारे की पूरी तैयारी चल रही है, भंडारा यहाँ करीब 6 बजे से स्टार्ट होगा और करीब भैया बता रहे थे पंडित जी बता रहे थे कि करीब यहाँ 8 बजे से सुंदरकांड होगा जो कि 11-12 बजे रात तक चलेगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भोपाल का सबसे प्यारा बजरंग बली का मंदिर और सजाने की बात ही हाल है। वाह यार धन्य हो गया मैं यहाँ पे दर्शन करके और यहाँ पे आकर। सच में बहुत ही प्यारा मंदिर, बहुत ही इंटरव्यू लेने दर्शन करके और यहाँ पे आकर। सच में बहुत ही प्यारा मंदिर, बहुत ही। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। भैया क्या प्रश्न है? मेरा सबसे पहले यही प्रश्न है कि मतलब आज जो हनुमान जयंती है ना, तो आज के बारे में मतलब आप मेरे को ऐसा बताइए कि मतलब क्यों हम लोग इतना ज्यादा मनाते हैं हनुमान जयंती। देखिए क्या है, आज के दिन का सभी लोगों को पता है कि आज ही के दिन जो है हमारे बालाजी महाराज जो हैं वो प्रकट हुए थे। तो बात उस समय की है जब पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गया था, रावण नाम के एक राक्षस ने त्राहिमाम कर दी थी पूरी पृथ्वी पर। तब जो है देवताओं ने एक युक्ति सूझी कि भैया चलो ब्रह्मा जी के पास चला जाए। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो युक्ति के बारे में पूछा कि भगवान अब इस राक्षस से कैसे पार पाए जाए, यदि भी उससे जो है कि आप देवताओं से मतलब मृत्यु ही नहीं है इसकी। तो तब ब्रह्मा जी ने बताया कि त्रेता युग में जो है राजा रामचंद्र भगवान जो है पृथ्वी पर अवतरित होंगे, उसी के साथ में जो है सदाशिव शंकर भगवान का 11वां रुद्र होगा जो हनुमान के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसी प्रकार से इंद्र दरबार में
एक कुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा थी। एक ऋषि के श्राप द्वारा उसे वानरी की योनि में जन्म प्राप्त हुआ, जो कि अंजना के नाम से जन्म लिया, जिनके गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। तो आज ही के दिन चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के मंगल के दिन में श्री हनुमान जी महाराज का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इसलिए हनुमान जयंती को हम इसलिए हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। जिस प्रकार से हम रामनवमी का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार से हम हनुमान जी का जन्मोत्सव भी अति उल्लास के साथ में मनाते हैं। जिस प्रकार से हम पृथ्वी पर जन्म लेने में कितना हमें आनंद आता है, जब हमारा जन्मदिन आता है तो उस दिन हम अति प्रसन्न रहते हैं कि राजा के भांति इस दुनिया को हम देखते हैं कि आज जो है कि आज हमारा सबसे अच्छा दिन है, पूरे साल के हम राजा रहते हैं उस दिन। इसी प्रकार से जो है हनुमान जयंती के दिन के राजा श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं। तो इसलिए हनुमान जी का महाराज का ये जो दिन है, इसको अति प्रसन्नता के साथ में हर सनातनी को भक्ति भाव के साथ में मनाना चाहिए, और हनुमान जी महाराज के इस दिन पे हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। चुका है भंडारा रेडी, देखो सामने, बोला था ना शाम को रेडी होगा, तो भंडारा यहाँ स्टार्ट हो गया। तो चलते हैं भंडारे में, थोड़ा प्रसाद अपन लेते हैं। और ये भैया लोग भंडारे को फुल एंजॉय करने वाले हैं अभी। एक्चुअली अभी इसलिए खड़े हैं क्योंकि सामने अभी ना जगह थोड़ा कम है, स्पेस कम है, तो जैसे थोड़ा स्पेस होता है, फ्री होता है, हम लोग भी चले हैं। बाकी ये है मंदिर, और जो भोपाल का सबसे अच्छा मंदिर है, और ये मंदिर ना बंसल रोजर के जस्ट बगल है, मतलब ये सैपुरा लेक है, सैपुरा लेक के जस्ट बगल है मंदिर। बढ़िया यार, मैं उधर पर आया था उस साइड, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया। हाँ भाई, एकदम इतना बढ़िया सजाया था मंदिर में, जो सजावट हुई है यार उधर वाले मंदिर में, और पंचमी की महादेव मंदिर का बोलते हैं उसको, दोनों साइड है। हाँ, अरे मज़ा आ गया। और अभी शाम को भंडारा था, सुबह प्रसादी मिल रही और तैयारी कर रही थी भंडारे की, तो सुबह जब गया सजावट बड़ी, तो सजावट तो कल से ही चल रही है, बलून से और फूल मालाएँ, लाइटिंग, बहुत सजावट है। और यहाँ आगे, हाँ देखिए, ये भी कल से ही आया था मैं यहाँ पे भी, हमारे भंडारा था शाम को, यहाँ भी फूल माला, लाइटिंग, हाँ ये नया टेंट लगाया हुआ आपके तो हम लोग चलते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये स्टार्ट हो चुका है भंडारा, तो थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं और फिर